आज से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चलिए सुनवाते हैं आपको। हमारा संगठन चलता, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो। हमारे संगठन महामंत्री माननीय पूर्व अध्यक्ष राकेश जी, ओम जी, उधर दोनों डिप्टी सीएम साहब, उधर आखिरी में हमारे लाल सिंह आर्य साहब, भगवान दास सबनानी जी, जिसके साथ भगवान उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पूरे संगठन महामंत्री हमारी सारी व्यवस्थाओं के माननीय विधायक भी है भगवान दास सबनानी जी। अब मैं अपने भाषण में ये ढूंढ रहा था कि मेरे को बोलना क्या है, तो मुझे ध्यान में आया कि आपके दोनों के बहुत उचित मार्गदर्शन के बाद ये झंडा जो लहराता आनंद के साथ, ये आपने दिया और डंडा मेरे जुम्मे दे दिया ताकि डंडे से झंडा लहराता रहे। सरकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करना और सरकार के माध्यम से अव्यवस्थाओं पर प्रहार करना और शासन की सुशासन की व्यवस्थाओं की स्थापित करते हुए हमारी उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करना, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब से सरकार बनी है हमने प्रयास किया कि कानून का शासन होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून के शासन के आधार पर हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि अनावश्यक कोलाहल नहीं होना चाहिए, तो 62,000 माइक उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसका पालन हम सबको करना। हमारी इस कानून की व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए आपको ध्यान होगा पहला निर्णय हमारा अगर था तो पहला निर्णय था कि हमारी नई शिक्षा नीति के बलबूते पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए। हमारी वर्तमान की व्यवस्था तो सही हो, सुदृढ़ हो, सही दिशा में हो, लेकिन भावी पीढ़ी को भी अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठों पर गौरव करने का मौका मिलना चाहिए। हमारी अपनी अतीत की जड़ों में झांक करके सनातन संस्कृति को भी हमको दिखाई देना चाहिए और उसी में हमारे अपने सभी प्रकार के विकास की अवधारणा छिपी हुई है। तो सुसंस्कृत शिक्षा व्यवस्था में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर इसी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार के पहले निर्णय के आधार पर सभी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम अपनी सरकार ने किया है। ये हम जब सदस्यता के बाद सदस्यता करने जब नीचे जाएंगे तो हमको अपने विकास के कामों की भी बात करते आना चाहिए। जब हम ये बात कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सदा नीरा नदियों का परमात्मा ने विशेष कृपा करके आशीर्वाद दिया है। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। बता दें आज से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और बड़े पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पार्टी की सदस्यता ली है।